हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। यू नो आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर। एंड डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज नंबर इन एंड ऑर्डर्स। नंबर को हम कैसे प्रॉपर ऑर्डर्स में, सीक्वेंस में राइट करेंगे, अगर नंबर बड़े के रूप में लिखना है या छोटे से बड़े के रूप में लिखना है, तो कैसे हम नंबर को प्रॉपर राइट करेंगे, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज के टॉपिक से जुड़े होंगे, जो आपके क्लासों में बहुत ही यूजफुल होंगे। आने वाले टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ढेर सारे देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आज की क्लास के लिए आप बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को आप बहुत ही क्लियर तरीके से माइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर इन एंड ऑर्डर, ये हमारा अच्छा टॉपिक है। तो हम नंबर को डियर स्टूडेंट दो तरीके से ऑर्डर में कर सकते हैं। एक हमारा है असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा हमारा जो सेकेंड है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। कभी भी हम नंबर को ऑर्डर में राइट करने के लिए दो ही तरीके से नंबर को हम राइट करते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और सेकंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए चलते देखते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या। डियर स्टूडेंट, व्हेन नंबर आर रिटेन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, जब हम नंबर को स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट के तरफ, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे हम काउंट करते हुए जाते हैं, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। सपोज दैट हम कोई भी नंबर अगर लेते हैं और उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो हम प्रॉपर छोटे को लेकर के आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। वेल नंबर आर रिटेन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम छोटे से बड़े की तरफ नंबर को लेके जाएंगे, तो वो हमारा जो ऑर्डर होगा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, आइए देखते हैं। वेल चलिए पहले इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल हम कुछ राइट कर लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डॉट 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 हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर आर रिटेन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा क्या है, प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में राइट किए गए। एंड सेकेंडली, दिस इज योर फर्स्ट रूल एंड योर सेकेंड रूल, व्हेन नंबर, व्हेन नंबर्स आर रिटेन, व्हेन नंबर आर रिटेन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ओके, when number are written from the greatest to the smallest, बड़े से छोटे की तरफ, कब, greatest to the smallest, जब हम number को greatest से लेते आएंगे और धीरे 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 कम करते 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 बिल्कुल smallest number को सबसे last में जब हम write करेंगे, that is called they are in descending, mind this, they are descending order, okay, when number are written from the greatest to the smallest, they are in descending order, okay, first ascending order and second descending order, for example, अगर हम इसका example लेते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। डियर स्टूडेंट, दो हमारे पास डिफिनीशन है नंबर को ऑर्डर्स में राइट करने के लिए। फर्स्ट, व्हेन नंबर आर रिटन फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, दे आर इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन द नंबर आर रिटन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, दे आर डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों का एग्जांपल से हमने इस डिफिनीशन को अच्छे तरीके से माइंड कर लिया है। अब हम जो है इन डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसे हमें प्रॉपर नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पहले कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, 30, 18, 14 एंड 30। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। नंबर्स क्या है, नंबर ग्रुप में जो नंबर दिए गए हैं 25, 30, 18, 40 एंड 30, इन्हें हमें क्या करना है, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम राइट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए इसी के नीचे ही हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं ताकि हम इसी बोर्ड पे ही दोनों वर्क कर सके, असेंडिंग वर्क भी और डिसेंडिंग वर्क भी, दो पार्ट में कर देंगे। इसमें हम अभी असेंडिंग के कुछ एग्जांपल्स लेंगे और राइट हैंड साइड में हम डिसेंडिंग के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करते हैं, राइट करने का प्रयास करते हैं। 25, 30, 18, 40 एंड 30। डियर स्टूडेंट, इस ग्रुप में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप। हु इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप, लुक एट द राइटिंग बोर्ड एंड डियर स्टूडेंट 30 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे छोटा यहाँ पे हमारा 13 है, सेकेंड 18, थर्ड जो है 25, देन आफ्टर 30 एंड लास्ट इज 14। सो वी हैव टू राइट इन दिस नंबर टू द असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट इज 1, 3, 30, देन आफ्टर 1, 8, 18 एंड देन आफ्टर 2, 5, 25 एंड 5 इज 3, 0, 30 एंड लास्ट इज 4, 0, 14। इज इट क्लियर टू यू? क्या क्या हमें जो नंबर्स ग्रुप में दिए गए हैं जो रैंडम में रखे हुए हैं उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट, हमारे नंबर्स जो है जो इन प्रॉपर वे में राइट किए गए हैं 25, 30, 18, 14 एंड 13, इन्हें हमें प्रॉपर वे में राइट करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में राइट करना है अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 13 बिकॉज 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप एंड देन आफ्टर 18 एंड देन आफ्टर 25, 30 एंड 40। 40 इज द बिगेस्ट नंबर, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 हमारा जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है इस ग्रुप में, जिसे हम सबसे लास्ट में शो करेंगे, और 13 हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसे हम सबसे स्टार्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम अभी हम असेंडिंग ऑर्डर्स के नंबर को राइट कर रहे हैं। वन मोर एग्जाम्पल्स डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल सेकेंड, 45, 38, 28 and 15 minus 45, 38, 28, 15, 15, 5, 0, 50. Once again, dear student, this is your second question and all numbers must be write down in your ascending order. So first of all, we have to find out in this group who is the smaller number. Dear student, you know 15 is the smaller number. So we have to write all numbers in this group, write down in ascending order. First number is 15, then after 28, then after 38, and then after 45, and last is 50. Your ascending order will be completed. I hope, is that clear to everyone? Ascending orders के numbers हमने यहाँ पे write कर दिए हैं। अब हम next part पे हम descending orders के कुछ example लेंगे according to second definition. First definition के
अकॉर्डिंग हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है. सेकेंड जो डिफिनेशन है, व्हेन नंबर आर रिटेन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसे हम कैसे इंप्लीमेंट में लाएंगे, इनके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं. तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू योर डिसेंडिंग ऑर्डर 35, 18, 32, 50 and 43. डियर स्टूडेंट, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहता है, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना है. मींस इसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसे में सबसे पहले करना है, यानी जस्ट अपोजिट टू एसेंडिंग ऑर्डर. रूल को हमें जस्ट अपोजिट कर देना है अकॉर्डिंग टू एसेंडिंग ऑर्डर. जो नंबर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था उसे जस्ट अपोजिट कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स जिस जो नंबर हमारा सबसे लास्ट में राइट किया जाता था डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी नंबर को हम सबसे पहले राइट करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े जो नंबर है उनको हम सबसे पहले लिखेंगे. सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर, हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर, एंड 43 इज योर ग्रेटेस्ट नंबर. सो 43 एंड देन आफ्टर 35 and then after 32 and then after 18 and last is 15. I hope, is it clear to everyone? बहुत आसान है dear student. हमने यहाँ पे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखना है, ये हमारे दिमाग को होना चाहिए. बड़े नंबर को हम सबसे पहले यूज में लाएंगे और जो सबसे स्मॉलर नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर जो होगा उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे. ओके, वन मोर क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. चलिए आइए देखते हैं, 130, 145, 99, 150 and 50, ये हमारा नंबर है. आइए इन्हें देखते हैं कैसे करते हैं. सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकेंड, हम रूल नंबर सेकेंड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. रूल नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, द रूल नंबर सेकेंड इज व्हेन द नंबर्स आर रिटन फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. माइंड दिस, दे आर डिसेंडिंग ऑर्डर. कब, जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे. और सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो है वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है. तो आइए देखते हैं, हु इज द बिगेस्ट, हु इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप. यस डियर स्टूडेंट, 150 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन दिस ग्रुप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन 150 एंड देन आफ्टर, यस एब्सोल्युटली राइट, 145 is the greatest number second. Okay, and then after 130 and once again then after 99, 99, 99 and last is only 15. I hope, is that clear to everyone? Dear students, जो हमने आज का टॉपिक था नंबर इन एन ऑर्डर, हम उसमें जो दो डिफिनीशन थे असेंडिंग और डिसेंडिंग के, उसे हमने बहुत अच्छे तरीके से रीड किया है और उसे समझा है विद टू एग्जांपल्स. यहाँ पे देख सकते हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर के भी हमने दो एग्जांपल्स लिए और डिसेंडिंग ऑर्डर के भी हमने दो एग्जांपल्स लिए. दोनों एग्जांपल्स हमारे बहुत आसान थे और इस तरीके से हम बड़े आसानी से अपने टेक्स्ट बुक में जो आपके एक्सरसाइज दिए गए हैं उसमें जो असेंडिंग और डिसेंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उसे बहुत आसानी से कर सकते हैं. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, हम आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे कमेंट बॉक्स में ही दूर करने की कोशिश करेंगे. अदरवाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो जो प्रॉब्लम होगी उस पे जरूर डिस्कस होगा. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.